बॉलिवूडची झोप उडवणारा एक खळबळजनक गोप्यस्फोट. बॉलिवूडमधले 70% कलाकार ड्रग्ज घेतात अशी खळबळजनक माहिती एका इन्फॉर्मरनं अर्थात खबऱ्यानं दिली आहे. बॉलिवूडमध्ये कुठले ड्रग्ज लोकप्रिय आहेत, कोण हे ड्रग घेतात आणि कुणामार्फत हा सगळा व्यवहार होतो, या सगळ्याचे अतिशय खळबळजनक दावे या इन्फॉर्मरनं केलेत. झी मीडियाचे प्रतिनिधी राकेश त्रिवेदींनी या इन्फॉर्मरशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केली. पिंक गांजा पिंक कलर का थोड़ा महंगा होता है. वो पिंक कलर का हो गया 5,500-6,000 का पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, वो थोड़ा महंगा आता है. और जो आप जो दूसरा वाला बोल रहे हैं वो आपको 3,500-3,000 तक में आ जाता है. अच्छा, पर ग्राम मुझे पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल में, के लोगों में, फिल्म सिटी में, फिल्म लाइन के लोगों में कितना कॉमन है ये नशा लेना, किस टाइप का नशा वो लोग करते हैं, कितने लोग ये नशा करते हैं, आप लोगों की क्या जानकारी? मेरा तो ये बोलना है कि 100 में से 70% तो सब करते ही है फिल्म लाइन में, और बाकी कैसा मिल रहा है उनको तो उसके पेडलर रखते हो, उनके पेडलर रहते उनके तरफ से जाता है पूरा. 70% जो लोग नशा करते हैं सब लोग गांजा लेते हैं, सबका अलग अलग नशा. देखो जो हाई क्वालिटी वाला लेगा वो गांजा ले अपना ये लेगा MD लेगा, ठीक है. और उससे थोड़ा नीचे जैसा कि TV सीरियल हो गए लोग सब हो गए तो लोग क्या गांजा लेते. तो ये मुझे छोटे मोटे पोस्ट पे काम करते हैं, स्पॉट बॉय, क्रू, लाइट, कैमरामैन, ये लोग लेते हैं या फिर अच्छे से बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स लोग भी? एक्टर विक्टर तो सभी लेते, ठीक है. एक्टर हो गया, एक्टर जो होते तो वो MD हो गया, MD MM हो गया, ये सब लेते हैं लोग. और TV सीरियल वाले वो जो हो गए तो नॉर्मल जो रहते ना तो उनको क्या गांजा लगता है. ये बताइए कि इनको ये ड्रग्स जो है फिल्म सिटी वालों को या फिल्म कलाकारों को मिलता कहाँ से, कौन से लोकेलिटी से, कौन से पेडलर से, कैसे? पहला तो आपको फिल्म सिटी के वहाँ पे आपको मिलेंगे पेडलर, ठीक है. और बाकी जहाँ पे लोग रहते जैसा बांद्रा हो गया, जू हो गया, वहाँ आपसे उनको मिलते दो पेडलर है. जैसा जू में और बांद्रा में एक है और एक फिल्म सिटी के पास में रहते. क्या आप कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं कि टीवी सीरियल में या फिर फिल्म लाइन में कौन कौन से बड़े नाम जो ऐसा लेते हैं या लिया हो जिन्होंने? ये सब बड़े नाम तो मैं ले नहीं सकता सर, सॉरी उसके लिए, क्योंकि क्लाइंट के कोई नाम तो ले ही नहीं सकते. पेडलर से सेलिब्रिटीज तक कैसे पहुँचता है, ये खुद तो सामने से आपके लेते नहीं होंगे तो कोई तो चेन होगा, क्या क्या कैसे होता है? जैसे कि एक्टर हो गए, बड़े बड़े एक्टर तो वो तो डायरेक्ट जाएंगे ही नहीं, उनके ड्राइवर हो गए, नौकर हो गए, उनके पास में जो भी काम करने वाले तो वो उनको देते के लेके आने के लिए, तो पेडलर के पास में जाके लेते.